नगर में आज नगर पंचायत डुमरियागंज के नवनिर्वाचित अध्यक्ष साजिया अतीक का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण के दौरान सर्वदल के नेता सामूहिक तौर पर मंच पर शामिल हुए। कार्यक्रम में अध्यक्ष और सभासदों को एसडीएम डुमरियागंज ने शपथ दिलाई, साथ ही नगर के चहुमुखी विकास कराने का अनुरोध किया। बीते दिनों में नगर निकाय चुनाव में बसपा पार्टी से अध्यक्ष साजिया अतीक चुनी गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अतीक उर रहमान ने बसपा पार्टी से साजिया अतीक को जीत दिलाने पर नगर पंचायत की जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा चुनावी मुद्दा ही विकास का रहा है। नगर पंचायत में हम सरकार की मदद से जो भी विकास कार्य होगा उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तो आज मेरा शपथ ग्रहण हुआ है। हम लोग नगर पंचायत में पहुंचते हैं, बोर्ड की मीटिंग करेंगे, जहां भी जो भी आवश्यकताएं होंगी तत्काल रूप से उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि सामने हमारे बरसात का सीजन आने वाला है। हमारे नगर पंचायत के कुछ हिस्से बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे वार्डों में आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि नगर पंचायत में जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं उनका जो वाटर लॉकिंग सिस्टम है, जल निकासी के लिए पूरी तरीके से काम किया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।